हेलो फ्रेंड्स आई एम आदित्य के आज का टॉपिक है व्हाट इज़ नेट न्यूट्रलिटी नेट न्यूट्रलिटी के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी पिछले साल और इस साल भी इस पर न्यूज़ आई है करंटली तो उस पर हम डिस्कस करते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है और फिलहाल हमारे मार्केट में मार्केट प्लेस में किसका क्या कहना है इसके बारे में और इससे प्रॉब्लम क्या हो रहे हैं और इसके सोल्यूशन क्या हैं चलिए आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा तो और डिटेल में देखते हैं तो सेलूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सी ओ ए आई इन्होंने गवर्नमेंट को ओवर द टॉप सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि व्हाट्सएप हो गए गूगल डीओ हो गया इनको बोला गया है कि इनको लाइसेंसिंग रिजीम जो है हमारी उसके अंतर्गत लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे गवर्नमेंट से एंड डिफर नेट न्यूट्रलिटी रूल्स ऑन टेलीकॉम ऑपरेटर्स टिल द टाइम सेम सर्विस सेम रूल्स आर अप्लाइड ऑन द एप्स ये कि बता रहे हैं कि जो एप्लीकेशनस हैं जो कि हमें फ़्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं जैसे कि गूगल डीओ हो गया व्हाट्सएप हो गया स्नैपचैट हो गया इंस्टाग्राम हो गया फेसबुक हो गया तो अगर आप देखेंगे ये सारे एप्लीकेशन से हम एक दूसरे से मैसेज कर सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं लेकिन उसी जगह पे अगर आप नेट नेटफ्लिक्स के बारे में बात करेंगे अमेज़ॉन प्राइम के बारे में बात करेंगे तो उसको अलग से पैसे देने पड़ते हैं तो जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन है वो बता रहा है कि कोई एप्लीकेशंस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई एप्लीकेशन है जिसको पैसा भरना पड़ता है इसलिए ज़्यादातर लोग प्रिफर करते हैं कि फ्री एप्लीकेशंस लिए जाए ऐसा उनका मानना है तो अगर सभी को एक ही रूल अप्लाई हो सेम सर्विस सेम रूल्स ऐसा अगर जब तक अप्लाई नहीं हुआ है अब तक क्योंकि नहीं हुआ है तब तक के लिए उनको आप चार्ज करिए उनको लाइसेंसिंग रिजिम में डालिए काफ़ी सालों से इसके बारे में चर्चा चल रही है ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को इशू क्या है टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैव हाँ बीन डिमांडिंग दैट द गवर्नमेंट शुड इम्पोज सेम सर्विस सेम रूल्स टू तो प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सेक्टर जो टेलीकॉम ऑपरेटर मतलब हमारे जैसे एयरटेल है वोडाफोन है बी है अब बी तो एक गवर्नमेंट का है तो उसकी बात अलग है लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि देखिए आप सभी एप्लीकेशंस के लिए कोई चार्ज लगाइए नहीं तो बिल्कुल मत लगाइए कोई तो एक देर देर हैज टू बी सम काइंड ऑफ रेगुलेशन विच इज यूनिफॉर्म सबके लिए किसी किसी के लिए फ्री है किसी के लिए फ्री नहीं है इसकी वजह से जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं एयरटेल है वोडाफोन है, है जियो है उनका उनका ऐसा मानना है कि प्रॉफिट उतने जितने एक्सपेक्टेड है उतने प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं ऐसा उनका मानना है और रिसेंटली हमारा जो इंडियन बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको ट्राई भी कहा जाता है उन्होंने भी एक रिकमेंडेशन दिया कि नो रेगुलेशन शुड बी इम्पोज ऑन द कॉलिंग एंड मैसेजिंग एप्स जब तक इंटरनेशनल लेवल पे क्लैरिटी नहीं आती है क्योंकि सभी पूरे दुनिया में व्हाट्सएप फ्री है पूरी दुनिया में गूगल डीओ फ्री है ठीक है ऐसा नहीं कि बस इंडिया में फ्री है तो ऐसा नहीं कि इंडिया के टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है तकलीफ हो रही है तो ट्राई जो है हमारी जो गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रेगुलेट करती है सुपरवाइज करती है एयरटेल वोडाफोन, बी सबको रेगुलेट करती है इवन इंटरनेट को रेगुलेट करती है सोशल मीडिया को रेगुलेट करती है उन्होंने कहा कि देखिए जब तक इंटरनेशनली कुछ चेंजेस नहीं होते हैं तब तक देखिए जो भी एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर से हम मैसेजिंग कर सकते हैं चैटिंग कर सकते हैं कॉलिंग कर सकते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए उनके ऊपर Uh, कोई भी किसी भी तरीके का रेगुलेशन है किसी भी तरीके की फी चार्ज करनी नहीं चाहिए तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि इंटरनेशनली अगर फ्री है तो इंडिया में भी फ्री होना चाहिए अलग से चार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है तो जो सलर ऑपरेटर एसोसिएशन का क्या भैया इंडिया की जो है उसका क्या कहना है टिल द टाइम एनी डिसीजन इज टेकन रिगार्डिंग लाइसेंसिंग ऑफ ओ टी टी कम्युनिकेशन अब ओ टी टी कम्युनिकेशन जैसे मैंने बोला ओवर द टॉप गूगल गूगल डीओ व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन है द अन इक्विटेबिलिटी बिटवीन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ओ टी टी शुड नॉट बी इंक्रीज एनी फर्दर देखिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को के प्रॉब्लम कैसा होता है कि देखिए जब आप नॉर्मल कॉल करते हैं एयरटेल टू एयरटेल वोडाफोन टू वोडाफोन या एयरटेल टू वोडाफोन जब आप नॉर्मल फ़ोन से कॉल करते हैं आपके टेलीकॉम ऑपरेटर से तो उसके थोड़े बहुत चार्जेस जाते हैं कम होते हैं ठीक है उसके लिए अलग से पैकेजेस लेने पड़ते हैं अलग से रिचार्ज करना पड़ता है लेकिन <laughs> अगर आपको ये मालूम हो गया कि मुझे वाट्सअप से भी मैं कॉल कर सकता हूँ अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है मैं वाट्सअप से कॉल कर सकता हूँ मैं इंस्टा पे कॉल कर सकता हूँ या मैं फेसबुक पे कर सकता हूँ मैसेंजर से कॉल कर सकता हूँ तो मैं वाई शुड आई एक्चुअली पे मनी टू एयरटेल मैं तो सिर्फ नेट का डेटा भरूंगा और मैं इंटरनेट कॉलिंग ही करूँगा सो यहाँ पर यह सवाल आता है कि इस सिचुएशन में एयरटेल को नुकसान हो रहा है वोडाफो को नुकसान हो रहा है यार हमारा तो कोई रिचार्ज ही नहीं कर रहा सिर्फ डेटा ही लोग चार्ज कर रहे हैं और उसी के ऊपर से वो लोग बातें कर रहे हैं तो कोई ज्यादा आप लाइसेंसिंग में चेंज मत करिए ऐसा उनका मानना है देर फॉर टिल सच टाइम नो न्यू लाइसेंसिंग कंडीशन शुड बी देर एक नेट न्यूट्रलिटी लानी चाहिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो गए जहाँ पे अलग से टैरिफ अलग से आप ज्यादा एयरटेल वालों पे वोडाफोन वालों पे ज्यादा टैक्सेस मत लगाइए ठीक है।, है ऐसा उनका मानना है वो बोल रहे हैं कि भैया तब तक तो भी आप कुछ हम पे ज्यादा ट्रैफिक या हम पे ज्यादा कोई लाइसेंसिंग का कोई एक्स्ट्रा बर्डन मत डालिए अब ये नेट न्यूट्रलिटी है क्या ठीक है इट मीन्स दैट गवर्नमेंट एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ट्रीट ऑल डेटा और इंटरनेट इक्वली देखिए सभी डेटा को इक्वली ट्रीट करना जरूरी है ओके और डिफरेंशिएट करना नहीं कि भैया किसी को आ, हाई हायर क्वालिटी डिलीवरी और गिविंग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट टू सर्टन वेबसाइट्स। देखो ऐसा नहीं कि किसी कंज्यूमर को आप स्पेशल प्रेफरेंस दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे हो किसी ने ज़्यादा अगर रिचार्ज किया है तो उसको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सर्विस दो और जिसने कम रिचार्ज किया है उसको उसको कम क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करो नहीं कोई सर्टन वेबसाइट्स हैं जो कि आ, आ, क्या जाता है कि ये बेटर है तो उसको ज़्यादा अच्छा मैनेज किया जाए जो वेबसाइट्स बिल्कुल पॉपुलर नहीं उनको उनकी एक्सेसिबिलिटी कम कर दीजिए उनको ज़्यादा ब्लॉक कर दीजिए ये नहीं देखिए पूरा इंटरनेट सेम ट्रीटमेंट कोई भी वेबसाइट पे जाइए कौन सा भी एप्लीकेशन ओपन करिए आपको उसी क्वालिटी की सर्विस मिलनी चाहिए कोई भी वेबसाइट हो कोई भी एप्लीकेशन हो नेटवर्क न्यूट्रलिटी रिक्वायर्स ऑल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स टू प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डेटा एक्सेस एंड स्पीड टू ऑल ट्रैफिक विदाउट ब्लॉकिंग और डिग्रेडिंग एनी वेबसाइट और एनी सर्विस ऑन द इंटरनेट जैसे मैंने कहा सभी सारा डेटा सेम स्पीड पे और सारी सेम ट्रैफिक किसी भी वेबसाइट को आपको ब्लॉक नहीं करना है अंटिल एनलिस गवर्नमेंट ने कहा है कि इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करो क्योंकि हमें पता है कई बार पोर्नोग्राफिक कंटेंट होता है तो उन वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा, जाता है लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं तो सारा डेटा सेम स्पीड पे एक्सेस करते आना चाहिए किधर स्लो हो रहा है किधर फास्ट हो रहा है ऐसे आप प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते नो no डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है तो नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल्स अप्रूव्ड बाय टेलीकॉम डिपार्टमेंट इन 2018 प्रोहिबिट सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इंटरनेट कंटेंट एंड सर्विसेज बाई ब्लॉकिंग थ्रॉटलिंग और अकॉर्डिंग प्रेफरेंशल हायर स्पीड्स तो हमारे देश में क्लियर कट दो हज़ार अठारह से प्रिंसिपल्स क्लियरली बताए गए हैं कि देखिए आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते जो भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे उनको पेनल्टी लग सकती है ठीक है लेकिन अगर कल नेट न्यूट्रैलिटी हटा के अगर आप पैसे के हिसाब से एप्लीकेशन को बेचने लगोगे तो ये एक पिक्चर एक आप देख सकते हो इसका जो मैंने ये द हिंदू न्यूज़पेपर में देखा कि अगर आप पाँच डॉलर भरते हैं चलिए हम यूएस के हिसाब से तो आपको तीन ऐप आप मिलेंगे अगर आप दस डॉलर तो ज़्यादा ऐप पंद्रह डॉलर बीस डॉलर तीस डॉलर उसके हिसाब से आप यूट्यूब व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम नेटफ्लिक्स वगैरह 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 आप अलग अलग कर सौ रुपए सौ डॉलर पर मंथ भरते हो तो यार आपको सारा सब कुछ फ्री तो देखिए जो इंडिविजुअल सौ रुपए भर रहा है तो उसको आप रिफ्रेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो और जो बेचारा पांच रुपए भर रहा है उसको आप कम ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ये थोड़ा गलत है ये देखिए कोई यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मनी तो इंडिया में ये ऐसा नहीं है जो फ्री है उसको अभी तक फ्री बना रखा है और अभी उसको चार्ज करना पड़ेगा तो मैं फ्रेंकली ये बता दूं कि अगर चार्ज करने लगेंगे तो लोग व्हाट्सएप छोड़ देंगे ऐसा मुझे लगता है कोई फ्री दूसरा ऐप है टेलीग्राम जैसे उस पर वो शिफ्ट कर लेंगे जो भी फ्री उसके ऊपर वो शिफ्ट कर लेंगे सो देखते हैं इंडिया में क्या होता है आगे जाके जब तक अगर कोई इंटरनेशनली कुछ चेंज नहीं होता है तब तक इंडिया तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा लेकिन नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को ज़्यादा महत्व है क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सारे एप्लीकेशन सारा डाटा सेम स्पीड पर एक्सेस कर पाएंगे यही है नेट न्यूट्रैलिटी और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में हम बात करते हैं हमारे संविधान में जो दिया है उसके हिसाब से सही है नेट न्यूट्रैलिटी पर कुछ पता नहीं यू नेवर नो कल अगर कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं तो मैं कोई अलग वीडियो पे आपको बताऊंगा जब वो चेंजेस होते होते हैं तब तक के लिए थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वो मुझे मोटिवेट करता है हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें तब तक के लिए आई एम आदित्य केदारी अगले वीडियो तक जय हिंद